हेलो एवरीवन वन टुडेज टॉपिक इज सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल यूनिट नंबर नाइन सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल मींस लोगों का गीत गाओ एवरीबॉडी सीम्स टू बी इन अ सच हारी दीस डेज़ आई वंडर व्हाई आजकल जब मैं किसी को देखता हूँ जिसको देखता हूँ वो सभी लोग जल्दी में हैं आई वंडर वाई और मैं मुझे ऐसा देखकर चिंतित भी होती मैं आश्चर्य होता कि ऐसा क्यों है देन बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन जस्ट आई हैव टू कंक्लूड इट्स असम्बली दिस पोएम डिस्क्राइब हाउ पीपल आर इन अ सच हरी दीज डेज वेरेवर दे आर दे आर इन हरी दे गो हेयर एंड देयर हर्डली They can be seen on the subway. They can be seen with the umbrellas. They can be seen with the umbrellas. Uh, they can be seen rushing for the taxis. Uh, you can see here. They can be seen rushing for the taxis and riding elevators. And riding elevators. Although they are walking singly, although they are walking singly, they are in the crowd everywhere. You can see here, uh, they, they are in a crowd everywhere. Some people are silent while some are talking loudly. Some are talking loudly. You can see here, no problem. They can laugh and smile, but they don't have time to look at others. It is because they are in. Hurry! We can we can see in this picture. Okay, they are on the bus stop. They are talking loudly, and they are in very hurry. Uh, now, uh, more uh, information we can get from this poem only. Let's sing this poem. Enjoy this poem.

सिंग आ सॉन्ग ऑफ पीपल लोगों का गीत गाओ वॉकिंग फास्ट और स्लो जो कभी तेज़ गति से चल रहे हों तो कभी धीमी गति से वॉकिंग फ़ास्ट और स्लो पीपल इन द सिटी अप एंड डाउन दे गो जो लोग जो लोग जो नगर में एक ओर से दूसरी ओर आ जा रहे हैं नेक्स्ट लाइन्स पीपल ऑन द साइड वॉक People on the sidewalk, people on the bus, people passing, passing, in back and front of us means people on the sidewalk. लोग जो फुटपाथ पर चल रहे हैं साइड वॉक मीन्स होता है फ़ुटपाथ फुटपाथ, फुटपाथ, फुटपाथ फुट मीन्स जो होता है जो लोगों को चलने के लिए होता है पीपल पासिंग पासिंग प्यूपल पासिंग पासिंग बैक एंड फ्रंट आपस या बसों में लोग जो हमारे पीछे और सामने से गुजर रहे हैं चलिए नेक्स्ट दिस लाइंस प्यूपल ऑन द सब बे अंडर नीट द ग्राउंड पीपल ऑन द सब्बे अंडर नीथ द ग्राउंड पीपल राइडिंग टैक्सी राउंड एंड राउंड एंड राउंड इस लाइन में हम जो देखते हैं कि पीपल ऑन द सब्बे पीपल ऑन द सब्बे या न्यू बर्थ्स केम हेयर इट्स सब्बे द मीनिंग ऑफ सब्बे मीन्स अंडरग्राउंड पैसेज अंडरग्राउंड पैसेज मीन्स भूमिगत मार्ग जो कि ऐसा मार्ग जो कि भूमिगत होता है जो जमीन में होता है भूमिगत मार्ग रास्ते जमीन से जाता है ओके एंड वन मोर वर्ड इज हेयर अंडर नीथ अंडरनीथ का मतलब होता है बिलो बिलो या नीचे नीचे अंडरनीथ मीन्स बिलो या नीचे नेक्स्ट वन इज राइडिंग राइडिंग का मतलब होता है गेटिंग इन गेटिंग इन मीन्स चढ़ना गेटिंग इन गेटिंग इन गेटिंग इन चढ़ना एंड राउंड एंड राउंड का मतलब मालूम है तो इसका अर्थ ही हो जाएगा कि लोग जो धरती के नीचे बने भूमिगत मार्ग से गुजरते हैं पीपल ऑन द सब्बे लोग जो धरती के नीचे बने भूमिगत मार्ग से गुजरते हैं और टैक्सियों में चढ़कर इधर उधर आते जाते हैं है ना लोग जो सिर पर टोपी पहने हैं और घरों के अंदर आ जा रहे हैं People people riding taxis around uh, and round. Okay, round and round. R people round and round. Now, people with their hats on going in the door. People with their hats on going on going in the door. People with the umbrellas, many rents, and pots. इसका मतलब ये हो गया कि पीपल विथ दियर हैडसोन लोग जो सिर पर टोपी पहने हैं लोग जो सिर पर टोपी पहने हैं और गोइंग इन द डोर्स और घरों के अंदर जा रहे हैं पीपल विथ अम्ब्रेलास लोग जो बारिश होने कारण छतरी पर निकल पड़ते हैं वैन या ट्रेन एंड पोर्स और लोग जो बारिश होने पर छतरी लेकर निकल पड़ते हैं ठीक है ना और लोग जो बारिश होने पर छतरी लेकर निकल पड़ते हैं तो इसमें नया वर्ड्स आया है क्या है पोर्स पोर्स मीन्स होता है उड़ेलना उड़ेलना, उड़ेलना ठीक है ना एन यू वर्ड्स अम्ब्रेलस यू नो वेरी वेल अम्ब्रेलस मीन्स छाता ओके एंड अंडरनीथ पहले बता दिया मैंने नाउ come to here these lines people people in tall buildings and in stores below people in tall buildings and in stores below riding yellow water up and down they go अब इसमें जो नया शब्द आया है कि पीपल इन टॉल बिल्डिंग्स पीपल इन टॉल बिल्डिंग्स मीन्स लोग जो ऊंची इमारतों में और नीची दुकानों में दिखते हैं एंड इन स्टोर्स बिलो और जो नीचे बनी दुकानों में दिख जाते हैं है ना पीपल इन टॉल बिल्डिंग्स लोग जो ऊंची बिल्डिंगों में इमारतों में और नीचे स्टोरों में दिख जाते हैं राइडिंग एलोवेटर्स राइडिंग इसमें जो न्यू वर्ड्स हैं एलोवेटर्स एलोवेटर्स का मतलब होता है आपका कि जो लिफ्ट्स जिसको हम बोलते हैं स्वचलित सीढ़ियाँ है ना? स्वचलित सीढ़ियाँ है ना? लिप्ट. लिफ्ट 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 या स्वचलित सीढ़ियाँ ठीक है ना अप एंड डाउन देखो तो इसका मतलब हो गया कि लोग जो ऊंची इमारतों में और नीचे बनी दुकानों में दिख जाते हैं लोग जो स्वचलित सीढ़ियों से ऊपर और नीचे जाते हैं अप एंड डाउन दे गो नाउ पीपल वॉकिंग सिंगली सिंगली मतलब अकेले लोग जो अकेला चलते हैं या चल रहे हैं पीपल इन ए क्राउड क्राउड का मतलब होता है भीड़ भीड़ इसका मतलब होता है अकेले अकेले ठीक है ना और इसका मतलब होता है भीड़ क्राउड का है ना पीपल इन ए क्राउड लोग जो भीड़ में चल रहे हैं पीपल सेइंग नथिंग जो लोग कुछ भी नहीं बोलते पीपल टॉकिंग लाउड और लोग जो जोर जोर जो से बातें करते हैं पीपल लाफिंग स्माइलिंग पीपल लाफिंग स्माइलिंग grumpy people too people who just hurry and never look at you people laughing smiling इसमें एक नया वर्ड आया है grumpy ये जो नया वर्ड है grumpy grumpy का मतलब होता है ill tempered ill tempered means चिड़चिड़ाना चिड़चिड़ा ठीक है ना चिड़चिड़ापन है ना और नेक्स्ट वन इज हरी हरी का मतलब होता है जल्दी में है वेरी फास्ट तो इसका जो मीनिंग हो गया पीपल लाफिंग स्माइलिंग लोग जो हंसते हैं मुस्कुराते हैं ग्रम्पिंग पीपल टू पहली लाइन का लोग जो हंसते मुस्कुराते हैं पीपल लाफिंग स्माइलिंग लोग जो जो मुस्कुराते हैं सेकेंड वन ग्रम्पी पीपल टू लोग जो चिचड़े सुहाब के हैं पीपल हु जस्ट हरी लोग जो जल्दी में हैं लोग जो जल्दी में हैं और आप पर कभी नज़र भी नहीं डालते पीपल हु जस्ट हरी एंड नेवर लुक एट यू और जो आप पर कभी नज़र नहीं डालते सिंगिंग सॉन्ग सिंगिंग सॉन्ग पीपल हु लाइक्स टू कम एंड गो सिंगिंग of city पीपल यू सी बट नेवर नो इसका मतलब ये हो गया कि सिंग ए सॉन्ग ऑफ पीपल सिंग ए सॉन्ग ऑफ पीपल मतलब लोगों का गाना गाओ लोगों का गीत गाओ हु लाइक्स टू कम एंड गो जो लोग आते और जाते हैं जो कि आना और जाना पसंद करते हैं singing ऑफ सिटी पीपल नगर के लोगों का गीत गाओ सिंगिंग ऑफ अ सिटी पीपल शहर के लोगों का गाना गाओ यू सी बट नेवर नो जिन्हें आप देखते जरूर हैं लेकिन जानते कभी नहीं हैं तो इस प्रकार से हमने इस पार्ट को देखा इसका हमने अर्थ को समझा नाउ लेट्स कम क्वेश्चन आंसर साइट्स व्हाट दिस इज नाउ दीज आर न्यू वर्ड्स ओके we will see the new words what new words says subway already i told you underground passage bhumigat marg underground passage for people to cross hai na jo ki Uh, नीचे वाला रास्ता होता है भूमिगत मार्ग होता है लोगों को आने जाने के लिए सब भी उसे बोलते हैं अंडर नीचे एलोवेटर्स एलोवर्ट्स एलोवेटर्स मीन्स लिफ्ट है जब आप मॉल वगैरह में जाते हैं वहां पर आप लिफ्ट देखते हैं ग्रम्पिक ग्रम्पिक मतलब होता है इन टैम्पर्ड दीज आर द न्यू वर्ड्स विच यू हैव टू लर्न ओके ना ना कम टू द रीडिंग इज फन साइड ओके वर्ट दिस इज रीडिंग इज फन Which modes of transport do the people use to move around in the city? Means नगर में लोग इधर उधर जाने के लिए किन परिवहनों के साधनों का प्रयोग करते हैं आंसर ए विल दिस वन पीपल यूज बसेस ऑटोज टैक्सीज cars, स्कूटर्स साइकिल etc. टू मूव अराउंड इन द सिटी फर्स्ट वन इज़ कम्प्लीट क्वेश्चन नंबर टू वाट आर दिंग्स दैट द प्यूपल कैरी विद डैम वाइल्ड मूविंग अराउंड इधर उधर जाते समय लोग कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ ले जाते हैं सो द आंसर विल बी दिस वन पीपल कैरी हैट्स अम्ब्रेलास हैंड बैग्स ब्रिफकेट्स एक्सेट्रा विद वाइल्ड मूविंग अराउंड क्वेश्चन नंबर थ्री वेयर ऑल डू यू फाइंड दीज वेरी बिजी पीपल इन अत्यधिक व्यस्त लोगों को आप कहाँ पाते हैं वेयर ऑल डू यू फाइंड दीज वेरी बिजी पीपल इन अधिक व्यस्त लोगों को आप कहाँ पाते हैं आंसर आई फाइंड दीज वेरी बिजी पीपल ऑन रोड्स ऑन साइड बास ऑन सब बे इन लिप्स इन स्टोर्स एट बर्स स्टॉप्स एटसेट्रा क्वेश्चन नंबर फोर वेअर हैव यू सीन क्राउड्स ऑफ पीपल लोगों की भीड़ आपने कहा देखी आंसर I have seen crowds of people in and around the temples, railway stations, bus, bus stops, hospitals, cinema halls, shopping malls, fairs, and parties, etc. Question number five Why do you think all these people are in a hurry? आपको क्यों लगता है कि ये लोग जल्दबाजी में हैं आंसर ऑल दिस पीपल्स आर इन हरी बिकॉज दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क इन लिमिटेड टाइम नाउ लैंग्वेज यूज लेट्स राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इनके हमको अपोजिट वर्ड्स लिखना है फर्स्ट वन इज स्लो स्लो का हो जाएगा आपका फास्ट फास्ट नेक्स्ट वन इज बैक बैक का हो जाएगा फ्रंट फ्रंट ब्लू ब्लू का मतलब होता है नीचे तो इसका हो जाएगा ए बी ओ वी ई एव और इसका अब भी हो सकता है अब लाउड लाउड का हो जाएगा आपका स्लो एस एल ओ डब्ल्यू स्लो आपका हो जाएगा आपका डाउन ओके टॉल का शॉर्ट क्राउट का एलोन अकेला एंड गो का कम ओके नाव लेट्स लिसन लेट्स लिसन रीड एंड लिसन टू दीज टू पोएम्स विथ यूर पार्टनर एंड फाइंड आउट व्हाट आर दिंग्स दैट आर देट द ब्लेस चाइल्ड एंड द सिटी चाइल्ड लाइक ओके हमको ये दोनों पोएम को पढ़ना है और हम देखते हैं कि इस पोएम में सिटी का बच्चा क्या पसंद करता है और आपका गाँव का बच्चा क्या पसंद करता है ये आपका ब्लेज का है गांव का है और दिस वन शहर ओके okay, चलिए हम इसको पढ़ते हैं द ब्लेज चाइल्ड माई होम इज अ हाउस नियर अ बोड आई हैड लाइव इन अ स्ट्रीट लिव इन अ स्ट्रीट इफ आई क्लाउड आई डू वी सम नियर देयर इज there are no one to play with at all. these trees are so high and so tall and i should be lonely for hours. were it not for the words and the flowers. now, city child, i live in the city live in a street, a इट्स अ क्राउड विथ ट्रैफिक एंड फीट और यहाँ पर बहुत ही भीड़ भाड़ है देर आर बसेस एंड मोटर्स एंड ट्राम्स यहाँ पर ट्राम्स बस और मोटर चलते रहते हैं आई विश देर वेयर विडोज एंड लैम्स यहाँ पर घास के मैदान और कुछ भेड़ें भी हैं द हाउस आई विश देर यहाँ पर होना चाहिए आई विश देयर वेयर विडोज एंड लैम्प यहाँ पर कुछ घास के मैदान और कुछ भीड़े होना चाहिए द हाउस द हाउस इज ऑल वेट इन ए रो है ना देर इज ए स्मोक एवरी वेयर दैट आई गो आई डोंट लाइक दॉइस इज आई ही आई विश देयर वेयर वुड्स मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर पास में कुछ लकड़ियाँ कुछ ऐसा होना चाहिए और जो गांव का बच्चा बोलता है कि आई डू विश समन लिव्ड हर मैं ऐसी आशा करता हूँ कि मेरे पास किसी को रहना चाहिए और शहर का बच्चा कहता है कि यहाँ पर बसेस मोटर्स और ट्राम्स हैं है ना गांव का बच्चा बोलता है देर इज़ नो वन विथ प्ले विथ देर इज़ नो वन टू प्ले विथ एट ऑल और मेरे साथ कोई खेलने के लिए नहीं है और ये बोलता है कि मेरे पास बहुत ट्रैफिक है सो ये दोनों में अंतर था क्योंकि आपको और भी समझना है आगे चलते हैं हम देखते हैं क्या है लेट्स टॉक द पीपल हु लिव्ड इन ए सिटीज ऑफन विच दे कुड लिव इन क्वाइट टाउन्स डू यू लाइक द प्लेस यू लिव इन तो टेल यूर पार्टनर टू थिंग्स यू लाइक एंड डोंट लाइक अबाउट द प्लेस यू लिव तो हमको यहाँ पर आपके कुछ बातें हम उनको उनको बताना है टेल योर पार्टनर टू थिंग्स हमको दो चीज़ें बताना है एक और दो, दो चीज़ें बताना है तो फर्स्ट वन टू थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट द प्लेस वेयर आई लिव इन आंसर हो जाएगा Two things that I like about the place where I lived in number one, peaceful surrounding. Peaceful peace, peaceful surrounding. Peaceful surrounding and number two, well behaved neighbors. Achha karne wale पड़ोसी वेल बिहेव्ड वेल बिहेव्ड नेवर्स अच्छा व्यवहार करने वाले ये दो चीजें चाहिए हमें पीसफुल सराउंडिंग्स शांतिपूर्ण माहौल और वेल बिहेव नेबर और अच्छे व्यवहार करने वाले पड़ोसी एंड ये हमको डू हमको ये करना है हम ये चाहते हैं और नेक्स्ट टू थिंग्स विच वी डोंट वांट है ना नेक्स्ट डू नॉट डोंट वांट कौन कौन सी वो डोंट वांट दूसरी दो चीज़ें कौन कौन सी हैं नंबर वन मेट्रो मेट्रो स्टेशन इज नॉट वेरी क्लोज टू माय प्लेस ओके फर्स्ट वन मेट्रो मेट्रो स्टेशन इज नॉट इज़ नॉट वेरी क्लोज वेरी क्लोज टू माई प्लेस मेरे घर से मेरे शहर से मेट्रो स्टेशन बहुत पास नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे बहुत हमेशा आवाज़ आती रहती है और सेकंड नंबर होता है एस्टेडॉक्स एंड काउस मेक द कॉलोनी रोड्स डर्टी है ना ये चीजें भी नहीं होनी चाहिए डॉग्स एंड काउज मेक द कॉलोनी कॉलोनी सी ओ एल ओ एन वाई कॉलोनी रोड्स डर्टी ओके ये दो चीजें हमको नहीं चाहिए एस्ट्रेडॉक्स एंड काउस मेक द कॉलोनी डर्टी कॉलोनी रोड्स डर्टी ये वी डोंट वांट ओके नेक्स्ट लेट्स राइट फिर है

फाइंड आउट फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल आर देयर इन आवर कंट्री आपको पता करना है कि हमारे देश में कितने लोग रहते हैं ठीक है ना नाउ डू वी हैव एनफ लैंड फॉर ऑल पीपल इन दिस अर्थ क्या हमारे पास सारे लोगों को रहने के लिए पूरी जगह है इज देयर एनफ फूड एंड वाटर फॉर ऑल पीपल क्या सभी लोगों के लिए खाना पानी और सब कुछ बराबर है क्या सो so, आंसर Answer will be this one. There are about 130 crore people in our country. How much? 130 crore. C R O R E. 130 crore. There are about 130 crore people in our country. No, we do not have enough land for all people on this earth. नाईदर हैव बी एन फूड नॉर वाटर फॉर ऑल द पीपल ना तो ना तो हमारे पास पर्याप्त पानी है और ना ही हमारे पास पर्याप्त खाना है उन लोगों के लिए थर्ड वन फाइंड आउट द फॉलोविंग फ्राम टेन फैमिलीज लिविंग इन यूर नेबरहुड तो जो F1, F2, F3, F4 ये फैमिली वन फैमिली वन फैमिली टू फैमिली थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टोटल नाउ चिल्ड्रन बिलो फाइव ईयर फैमिल एफ वन में कितना है चिल्ड्रन फ्रॉम फाइव टू फोर्टीन ईयर एफ वन में कितना है एफ टू में कितना है ये सारा ठीक है ना? ग्रोन अप चिल्ड्रन फ्रॉम फिफ्टीन टू ट्वेंटी जो बढ़ते हुए बच्चे हैं पंद्रह से बीस में उम्र के पंद्रह से बीस साल के वो F1 में कितने हैं F2 में कितने हैं ये सब आपको करना है ठीक है ना आप इसको चाहे तो आप इसमें लाइन आप इसे खींच सकते हैं आप इसको ऐसे लाइन खींच सकते हैं बढ़िया तरीके से ठीक है ना ऐसे सपोज़ मान लीजिए कि चिल्ड्रन बिलो फाइव इयर्स के एफ टू में दो हैं ठीक है इसमें है ही नहीं है इसमें चिल्ड्रन फाइव टू तो फोटीन इयर्स का इसमें तीन हैं आप अलग अलग उसके आप इसमें लिख सकते हैं यू कैन राइट ओके आप ऐसे बना सकते हैं नो प्रॉब्लम चलिए एफ फॉर फैमिली दिया हुआ है इनमें और ये क्वेश्चन दिए हुए यहाँ पर चलिए ये क्वेश्चन है यहाँ पर हाउ मैनीस आर एजुकेटेड इन ईच फैमिली हर फैमिली में कितने लोग एजुकेटेड हैं पढ़े लिखे हैं ठीक है ना कितने लोग पढ़े लिखे हैं ठीक है ना आप ये कर लेंगे नंबर टू फ्रॉम अमेंगोस द टेन फैमिलीज हाउ मैनी आर एजुकेटेड है ना तो उस फैमिली में से दस फैमिली में से कितने लोग और पढ़े लिखे हैं दस फैमिली में कितने लोग पढ़े लिखे हैं नाउ टॉक टू योर पार्टनर एंड देन राइट ए रिपोर्ट अबाउट योर नेबरहुड अपने दोस्त से बात करो एक रिपोर्ट तैयार करो ठीक है ना लेट्स इंटरव्यू अब एक इंटरव्यू तैयार करना है आपको इट्स मे बी यू एर टीचर आर समबाउट इंटरव्यू इंटरव्यू यू ए टीचर एंड गेट हर रेस्पॉन्स फॉर फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन वाई डिड यू विकम अ टीचर आप टीचर क्यों बने तो आंसर हो जाएगा बिकॉज आई लव टू टीच स्मॉल चिल्ड्रन नंबर टू हाउ डू यू कम टू स्कूल एवरी डे आप स्कूल कैसे आते हैं बाई स्कूल बस आंसर हो जाएगा बाई स्कूल बस क्वेश्चन नंबर थ्री डू यू हैव एनी पैट्स क्या आपके पास कोई जानवर है नो और यस नंबर फोर वाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू रीड किस प्रकार की पुस्तकें आप पढ़ना पसंद करते हैं आई लाइक टू रीड एडवेंच एडवेंचर बुक्स एंड नोवेल्स ओके जैसा भी वो आंसर देते हैं आप इसको क्वेश्चन में आंसर इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव वाट आर योर हॉबीज आपकी हॉबीज क्या क्या हैं तो हॉबीज हो सकती हैं गार्डनिंग एंड पेंटिंग सिंगिंग इट मे बी योर हॉबीज नाउ क्वेश्चन नंबर Now write a paragraph about your teacher with the information you have gathered. My teacher My teacher says that she become a teacher because okay because my teacher says he become a teacher because he likes to teach young children he comes to school every day by school bus he does not have any pet he is fond of books he likes adventures books he equally likes novels in leisure time he does gardening and painting the, my teacher says ही बिकम अ टीचर मेरे टीचर ने बताया कि वह टीचर क्यों मैंने बिकॉज ही लाइक्स टू टीच यंग चिल्ड्रन उन बड़े बच्चों को पढ़ाना उनको पसंद आता है ही कम्स टू स्कूल एवरी डे वाई स्कूल बस वस से रोज स्कूल आते हैं ही डज नॉट हैनी पैटून के पास कोई पालतू पक्षी या जानवर नहीं है ही इज़ फंड ऑफ बुक्स उन्हें पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक़ है ही लाइक्स एडवेंचरस व एडवेंचरस बुक्स को पढ़ते हैं ही इक्वली लाइक्स नॉवल्स और वह नॉवल्स को भी बराबर पसंद करते हैं इन लीज़र टाइम लीजर मतलब फुर्सत के समय में ए लीजर टाइम ही डज गार्डनिंग एंड पेंटिंग और जब फुर्सत का समय होता है तो वह गार्डनिंग करना और उनको पेंटिंग करना अच्छा लगता है ओके तो दिस दिस इज द लेसन इट हैज़ फिनिश थैंक यू